देखिए फ्रेंड्स, ये व्हीकल BS4 है, इसमें क्लच की प्रॉब्लम है। देखिए ये क्लच जो है वो बिल्कुल ही पूरी हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद क्या है, इसमें गियर लगने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए वीडियो की अंत तक बने रहें और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। सबसे पहले हम आते हैं पीछे की तरफ गियर बॉक्स के पास। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी क्लच बूस्टर सामने है नीचे की तरफ, और जब हम पैडल को प्रेस कर रहे हैं तो देखिए इसकी जो फॉर्क है, ये क्या इसकी इंस्पेक्शन प्लेट को, प्लेट की जो 10 नंबर की बोल्ट है उसे तोड़ते हुए वो बाहर की तरफ आ गई है। चलिए हम देखते हैं क्या दिक्कत हुई है इसमें। यहाँ पे इंस्पेक्शन प्लेट दूसरी वाली ओपन करते हैं। देखिए, चलिए ये टॉप वाली इंस्पेक्शन प्लेट है जहाँ से हम देख सकते हैं आसानी से इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए रिलीज बेरिंग अपनी पोजीशन पे है, बट हमारी जो फॉर्क है वो अपनी पोजीशन से हट चुकी है। और ये तभी होता है फ्रेंड्स, या तो इसकी ग्रूव खा जाती है, और दूसरी इसकी जो एडजस्टिंग आई बोल्ट होती है वो अगर टूट जाए तो ये प्रॉब्लम होती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, देखिए इसकी जो आई बोल्ट है वो लग रही है टूटी हुई है। तो हम इसकी दूसरी तरफ की इंस्पेक्शन प्लेट को भी देखेंगे साइड वाली, और वहां से चेक करेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें प्रेस करके भी हम देखेंगे, ये फुल प्रेस नहीं हो पाती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए, जिसके वजह से क्लच हमारी हार्ड रहती है और गियर लगने में प्रॉब्लम होती है। जब भी गियर लगाएंगे तो कर एक साउंड आएगा सभी गियर में। तो चलिए, हमने यहाँ पे देख लिया इसे, अब हम दूसरी साइड देखते हैं। देखिए ये हमारी क्लच बूस्टर है, जब हम प्रेस करते हैं तो इसकी देखिए साइड की जो प्लेट है वो यहाँ से 10 नंबर की बोल्ट को तोड़ते हुए उसकी प्लेट बाहर आ गई है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब इसकी सॉल्यूशन हमें करनी है, तो चलिए हम यहाँ से साइड वाली हम प्लेट को ओपन करते हैं। चलिए ये हम प्लेट को ओपन कर लिए हैं यहाँ से। ये हमारी जिस साइड में वो बोल्ट टूटी है उस साइड की बोल्ट प्लेट है ये इंस्पेक्शन प्लेट। देखिए यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो हमारी क्लच बूस्टर है, क्लच बूस्टर की जो रॉड है, देखिए पुश रॉड, ये बेंड टाइप की दिख रही है, बट ये बेंड है नहीं, एक्चुअली वो टूटने से ये बाहर की तरफ आ गई है हमारी फॉर्क, जिसके वजह से ये रॉड भी बाहर की तरफ खींचते हुए इसे ले आई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए ये रॉड है, ये बाहर की तरफ आ गई है, जिसके वजह से साइड इंस्पेक्शन प्लेट जो है वो बेंड होकर वो बाहर की तरफ आ गई है, हमने यहाँ पे देखा। चलिए अब दूसरी तरफ भी हम देख लेते हैं। चलिए अब दूसरी तरफ की हम इंस्पेक्शन प्लेट को निकालते हैं यहाँ से, हम चेक करने के लिए और इसे फिट करने के लिए भी है यहाँ से, तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। चलिए, जब इसे हम ओपन किया तो देखिए यहाँ पे ये आई बोल्ट टूटी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये आई बोल्ट टूट गई है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम सारी हो रही है इस व्हीकल में, तो हमें इस आई बोल्ट को चेंज करना है। चलिए हम देखते हैं, बहुत से व्हीकल में ये प्रॉब्लम होती है, हमें क्या करना है, हमें इसे निकाल लेना है, क्लच बूस्टर को निकालना है। चलिए, 13 नंबर की 4 बोल्ट होती है इसमें, हमें उसे निकाल लेनी है। उसको निकालने के बाद ये बूस्टर हमारी बाहर की तरफ आ जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए इसे हम रख लेते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये टूटी हुई जो बोल्ट है उसे हम निकाल लेंगे। चलिए यहाँ से 24 नंबर की देखिए ये नट है, चलिए इस नट को हम पहले लूज करेंगे। और किसी ने शायद इसको देखिए बहुत ही एडजस्ट किया है, जो कि बहुत अंदर तक एडजस्टिंग है इसमें, बट इतना होना नहीं चाहिए था, जिसके वजह से टूट गई होगी ये। चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद देखिए ये हमारी 2 पार्ट में ये है, तो हमें अब न्यू रिप्लेस करना है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये 200 के आसपास में इसकी प्राइस होती है। देखिए ये बोल्ट हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया है और फोर्क को साइड कर दिया है, हम बिना गियर बॉक्स उतारे इसे यहाँ पे आसानी से हम डाल सकते हैं। देखिए ये जो पार्ट्स है हमारी, यहाँ पे देखिए आई बोल्ट है रखे हुए, और इसकी 2 चेकनट, एक लॉक नट है, एक चेकनट है। तो चलिए अब हम यहाँ से इसे डालते हैं इसकी पोजीशन पे। ये अंदर की साइड से हम इसे डाल सकते हैं और बाहर से नहीं डाल सकते हम। अंदर की साइड जो इंस्पेक्शन प्लेट है वहां से ही आप हाथ डाल के इसे आसानी से इसके अंदर डाल सकते हैं। इस ये टूटने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, क्लच हार्ड हो जाएगी और प्रॉपर क्लच नहीं लेगी, जिसके वजह से हमारी गियर जो है वो फंसेगी जब आप डालेंगे। देखिए ये हमारी, चलिए अब फोर्क को हमें बिठाना है।
उससे पहले इसकी हमें प्लास्टिक बूस को डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुशन डाल देते हैं, ये बूस है इसकी, यहाँ से डाल लेते हैं। डालने के बाद हम फोर्क को इस पे बिठा के लॉक कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने अच्छी तरीके से बिठा दिया, ये लॉक है इसकी, ताकि ये लॉक से बाहर ना जाए, इसकी जो फोर्क है वो बाहर ना चला जाए, जिसके वजह से। चलिए हम लोगों ने लॉक कर दिया। अब दूसरी साइड से हम इसे पकड़ के और ऊपर से हाथ डाल सकते हैं इजी से, जो टॉप की जो इंस्पेक्शन प्लेट है वहां से हम आसानी से हाथ डाल सकते हैं, उसे हाथ डालकर। चलिए हम रिलीज बेयरिंग को भी अच्छी तरीके से सीधा करके इस फोर्क की पोजीशन पे बिठा लेंगे। अगर ये बार बार फ्रेंड्स अगर रोटेट हो जाती है हमारी रिलीज बेयरिंग, तो इसे इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जो कि मॉडिफिकेशन के वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और इसकी लिंक जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप देख सकते हैं वहां से। देखिए ये हमने इसे बिठा लिया। बिठाने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस साइड से चलिए अब हम यहाँ से डालेंगे अपनी क्लच बूस्टर को। क्लच बूस्टर को देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से थोड़ा ग्रीस डाल देना है, ताकि वॉर्न आउट कम हो इसमें, वेयर एंड टेयर। तो ग्रीस डालने के बाद देखिए इसकी जो डस्ट कवर है वो फटी हुई है, तो ये तो सेपरेटली मिलता नहीं है, ये किट के साथ आती है, उसे हमें डाल लेनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी तरीके से बैठी हुई है, देख रहे हैं जिस तरीके से है? ये रिलीज बैरिंग और इसकी जो फोर्क है ये बिल्कुल सही जगह पे पोजीशन पे बैठी हुई है। तो इसे क्या है, आपको सीधा रखना है, तो आप एडजस्टिंग बोल्ट से आपको एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा बहुत से व्हीकल में प्रॉब्लम आएंगे कि जब आप बैक गियर लगाते हैं तो घड़ंग करके एक आवाज आता है, और कोई भी गियर लगाते हैं तो प्रॉपरली वो लगता नहीं है, खर खर सभी गियर आवाज करेंगे। जब सभी गियर आवाज करेंगे, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बूस्टर को डाल दिया है, सभी गियर आवाज करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारी क्लच सही से वर्क नहीं कर रही है। चलिए अब हम इसे अपने हिसाब से जितना हमें चाहिए उतना हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी आई बोल्ट की जो एडजस्टिंग है वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि हमारी क्लच भी प्रेस प्रेस कंडीशन में ना रह जाए, पूरी तरीका से रिलीज रहे, और हमारी गियर जो है वो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ना आए, तो हमें उतना ही इसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद चलिए हम यहाँ से लॉक नट को डाल लेते हैं। लॉक नट को हम यहाँ से डालेंगे अच्छी तरीके से, और डालने के बाद चलिए अब ऊपर की तरफ हम चेक करते हैं कि हमारी क्लच प्रॉपरली वो प्रेस हो रही है या नहीं। चलिए हमने यहाँ से देखा, ये देखिए इस जगह पे इस लॉक नट को भी हमें टाइट कर लेनी है हाथ से, क्योंकि यहाँ पे तो रेंच नहीं लगती है, तो आप हाथ से भी इसे टाइट कर सकते हैं, ताकि ये इससे मैक्सिमम ना हो, इसलिए वो सपोर्ट दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स एडजस्टिंग से हम लोगों ने फोर्क को सीधा कर लिया, और हमारी रिलीज बेयरिंग देखिए फिंगर को किस तरीके से प्रेस कर रही है। और जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो क्लच प्लेट है वो फ्री हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है हमारी इंजिन और गियरबॉक्स की कनेक्शन जब हम प्रेस करते हैं। चलिए अब हम प्लेट को यहाँ से डाल लेते हैं फ्रेंड्स, और डालने के बाद हम यहाँ से देखिए प्रेस करके देख लेते हैं। चलिए हम प्रेस करते हैं, और स्टार्ट कंडीशन में हमें सभी गियर लगा के चेक करनी है। चलिए इसमें पहले गियर नहीं लग रही थी अच्छी से, अब देखते हैं। देखिए ये सारी गियर हमारी शिफ्ट हो रही है फ्रेंड्स, देखिए देखिए फ्रेंड्स ये सारी शिफ्ट हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।